एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट स्टाइल का उपमा। ये देखिए, मैंने आधा कप सूजी को इस तरह से ऊपर तक भर के ले लिया है। थोड़ा सा घी है, एक चम्मच उड़द दाल है धुली हुई, 10 से 12 कड़ी पत्ता है, आधा चम्मच राई है, 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने हैं, 10 से 11 काजू हैं, नमक है स्वाद के अनुसार, एक टमाटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमी यमी उपमा बनाना। ये देखिए, पैन में हमने एक चम्मच घी डाल लिया है और अब हम सूजी को रोस्ट करेंगे। सूजी से पहले हम मूंगफली डाल रहे हैं, तो पहले मूंगफली रोस्ट करेंगे। अब इनको चलाते हुए हम इसको रोस्ट करेंगे, मूंगफली को। आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत बहुत यमी उपमा बनता है। और हमें मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब काजू करेंगे हम इसमें रोस्ट। इनका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। इधर हमने पानी को गर्म होना रख दिया है। सामग्री कितनी कितनी है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब इसी बचे हुए घी में ना हम सूजी डाल देंगे और इसको रोस्ट करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है हमें इसे, लगातार चलाते हुए, कलर चेंज ना हो, खुशबू अच्छी आने लगे। ये देखिए, सूजी अब बिल्कुल परफेक्ट सिक गई है। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है और कलर भी देखिए अब हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि सूजी जो है वो जले ना। और ये हमने एक टमाटर को बारीक काट लिया है। मैं ये बिना प्याज का बनाने वाली हूँ। जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, ये उनके लिए उपमा है। अब हमने पैन में एक टेबलस्पून घी डाल लिया है। अब हम डालेंगे राई की जगह ना, मैं सरसों यूज कर रही हूँ, तो मस्टर्ड सीड्स जिनको बोलते हैं, तो हम वो डालेंगे एक चम्मच। ये देखिए, जब सरसों चटकने लगे तब हम डालेंगे इसमें दाल। ये उड़द दाल हमने डाल दी है और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। दाल हल्की ब्राउन होते ही हमने करी लीव्स डाल दी हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर। पानी में ही ना हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा नमक हम डाल रहे हैं टमाटर में। हमें टमाटर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, जब टमाटर कुछ ऐसा हो जाए फिर हम डाल देंगे सूजी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत बहुत टेस्टी लगती है ये उपमा, जरूर बनाइएगा। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे तो गांठे नहीं पड़ेंगी। अगर आप हल्का हल्का चला के ऐसे मिक्स करते रहेंगे, पानी गर्म होना चाहिए हमेशा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। हौसला अफजाई बनता है। आप कहेंगे कि मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मैं और नई नई रेसिपी लेकर आपके सामने आती रहूंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ना, अगर आप अंदाजे से भी करें तो आपको ये पता लग जाता है आपको उसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए, कितना थिक आपको रखना है ना। और ये बिना टमाटर बिना प्याज का है, बिना लहसुन प्याज का है। तो ये देखिए, मिक्स करेंगे हम और इसमें अब ऊपर से हम डाल देंगे मूंगफली, काजू जो हमने रोस्ट करके रखे हैं, और ये इसका इतना बढ़िया क्रंची फ्लेवर आता है। लास्ट में ही डालना है आपको। कुछ आप गार्निश करने के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज मिक्स कीजिए। और हमारा उपमा तैयार है। यमी सी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत फास्ट ये बनता है। आप करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए, हमने क्या किया है, जब नमक डाला था ना पानी में, तो उसको थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लिया था। तो क्योंकि बाद में इसमें नमक नहीं मिलता है, तो थोड़ा टमाटर में डाला, थोड़ा पानी में डाला, और उसका ये रिजल्ट है कि नमक बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको यहाँ दिखाऊं कितना खिला खिला ये बना है। देखिए, इसमें पानी हमने 2 कप लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डालकर आप देख लीजिए, क्योंकि सूजी टू सूजी भी फर्क पड़ता है। ये मैंने थोड़ी मोटे वाली सूजी ली है, जो उपमा की सूजी आती है। तो इसमें पानी हमारा 2 कप लगा है। मैंने बहुत तरह से उपमा डाला हुआ है, और भी लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, बट ये अलग अलग तरीके का है। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए, यमी सा उपमा बनकर तैयार है। बहुत ही यमी है, आप देख सकते हैं
कितना प्यारा ये उपमा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जितना देखने में सुंदर है ना, उतना ही खाने में भी बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।